राम मंदिर आंदोलन में अपने पूरे जीवन को खपा दिया। 31 सालों से अन्न का एक दाना नहीं खाया, अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। छोटे से पान की दुकान के सहारे पूरी जिंदगी काट लिया, अपने भाई को पूरी संपत्ति दान कर दी। जान लीजिए सबसे बड़ी राम भक्त की कहानी, जिसने राम के लिए समर्पित कर दी अपनी पूरी जिंदगानी। जी, अयोध्या में मंदिर के लिए की थी भीष्म प्रतिज्ञा, 31 साल बाद अब अन्न खाएगा राम भक्त। जी, दरभंगा के गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार बैठा उर्फ जमेली बाबा 31 साल बाद अन्न ग्रहण करेंगे। जी हाँ, ये कार सेवक 31 वर्षों से फल खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब प्रभु श्री राम अपने घर में प्रवेश करेंगे तो खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगे और सेना नमक डालकर खाकर अपनी प्रण को तोड़ेंगे। दरअसल बाबा की 31 वर्ष की उनकी तपस्या 22 जनवरी को पूरी होगी। बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर तोड़ने के बाद 7 सितंबर 1992 को वीरेंद्र कुमार बैठा और जमेली बाबा ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर निर्माण होने तक वो सिर्फ फलहार खाकर रहेंगे। जिस दिन मंदिर का निर्माण होगा और रामलला विराजेंगे, उस दिन अन्न ग्रहण करेंगे। अब तक चुपचाप गुमनामी के छोटे से पान की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले, यहां तक कि उन्होंने शादी तक नहीं की, बस अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के खैरा गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार बैठा उप जमेली बाबा ने बताया कि वो बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर दरभंगा से लगभग 250 कार सेवक के साथ अयोध्या निकले थे। अयोध्या पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद के बिहार प्रांत के अध्यक्ष महादेव प्रसाद जायसवाल, बेलागंज के अशोक शाह, गजेंद्र चौधरी, गुदरी बाजार के शंभु शाह किसी तरह से बाबरी मस्जिद के परिसर में प्रवेश कर गए। जमेली बाबा ने बताया कि बाबरी मस्जिद के परिसर के बाहर एक लोहे की पाइप मिला और इसके सहारे मस्जिद को गिराने में जुट गए। देखते ही देखते हम सभी गुंबद पर चढ़ गए। सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक भी जुट गए। जैसे ही गुंबद गिरा और मस्जिद धराशायी हो गया, सभी राम भक्त निशानी के रूप में ईंट आदि लेकर वहां से रवाना हो गए। इस बीच सरयू नदी में स्नान के बाद अयोध्या में भव्य रामलला की मंदिर के निर्माण हो सके, इस मनोकामना के साथ अन्न त्याग का संकल्प लिया और इस दौरान पास के स्टूडियो में तस्वीर खिंचवाई, जहां रुपए लेने के बाद स्टूडियो मालिक ने कहा कि नाम पता लिखवा दो, डाक से तस्वीर भेज दी जाएगी। कुछ दिन बाद डाक से तस्वीर मिली, इसे आज भी संभाल कर रखे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या से 8 दिसंबर 1992 को अपने कुछ साथियों के साथ दरभंगा पहुंचे। हालांकि यहां भी पुलिस उन लोगों को खोज रही थी। लहरिया सराय स्टेशन से रेलवे ट्रैक होते हुए बालभद्रपुर आरएसएस कार्यालय पहुंचे और इसके बाद उन लोगों की जान बची। लहरिया सराय थाना क्षेत्र के जीएन गंज रोड पर रहने लगे और यहां पान की दुकान चलाने लगे। जमेली बाबा ने दिव्यांग भाई को गांव की सारी संपत्ति सौंप दी। अयोध्या में मंदिर बने उसको लेकर सभी पूर्णिमा और सावन माह के हर सोमवार को देवघर डाक बम बनकर जाते हैं। अब उनका सपना पूरा हुआ और वो 23 तारीख को सुल्तानपुर से जल लेकर देवघर बाबा को जल अर्पण करेंगे, फिर अयोध्या जाकर रामलला की पूजा भी करेंगे। उन्हें राम मंदिर का न्योता भी मिला है। 31 सालों से अन्न नहीं खाने वाले इस संत को सलाम करिए और इस राम भक्त के लिए एक शेयर करिए और जय श्री राम कमेंट में लिखना ना भूलें।